हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का अपना टॉपिक बेसिक मैथ्स पार्ट टू। पार्ट वन दे विच अपना थोड़े जे बेसिक्स स्टार्ट किए थे मैथ्स से। सो जेडे स्टूडेंट्स ने वो पार्ट हले नहीं देखा है तो उन्हें देख सकते हो। उहदे विच अपना नंबर्स कवर किए थे, दैन उन्होंने बारे कुछ ईवन और नंबर्स फैक्टर्स मल्टीपल्स इन्हों कवर किया। सो अज जो आप स्टार्ट करना है वो करना है पॉजिटिव नैगेटिव इंटीजर्स। हूं तक अपा पता लग चुके कि इंटीजर्स की होंगे ने, पॉजिटिव नैगेटिव इंटीजर्स भी अपा पता की होंगे, पॉजिटिव भी होंगे नैगेटिव भी होंगे, बट उन्होंने एड करना नैगेटिव तो पॉजिटिव नीचे बहुत प्रॉब्लम आदि ने। बहुत स्टूडेंट्स ने जेडे कि प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्होंने इंटीजर्स एड करन च प्रॉब्लम है, सबट्रैक्ट करन च प्रॉब्लम हैगी है, कदे माइनस की गलती कदे प्लस की गलती कदे ए नहीं पता लगता की साइन लगाना है। सो उहदे बेसिक जेडे रूल्स ने वो आपां देखांगे। जो भी आपां दो नंबर्स नूं एड कर रहे हैगे आ, सो उन्होंने मूहरे जेडे साइन लगे होंगे ने वो आपां देखने ने। सो अगर वह दोनों पॉजिटिव ने, अपने को दो ही तरह के नंबर होंगे ने, एक तो प्लस होएगा या एक माइनस होएगा। अगर तो मूहरे साइन नहीं लग्या होया, मान लो कल्ला मैं 7 लिखा है, सो उदा मतलब हुंदा है कि वो प्लस 7 है। अगर मूहरे माइनस लगाना हैगा तो सानू एक्सप्लिसिटली उनू लिखना पैंदा, दिखाना पैंदा साइन। सो इत्थे आपां देखिए, अगर अपने दोनों नंबर पॉजिटिव हैगे ने, सो उदा मतलब की हुंदा हैगा एड करना, ठीक है, आपां एड करांगे दोनों नूं। सो प्लस 2 एंड प्लस 5 इज प्लस 7, कोई इश्यू नहीं है। अगर दोनों नंबर्स अपने माइनस ने, मतलब दोनों के साइन माइनस ने, सो अपने को जेड़ा हैगा अगेन एड करांगे। तो दोनों नंबर एड हो गए, एक नंबर हैगा माइनस 2, दूसरा नंबर हैगा माइनस 5, दोनों नु एड करके जो आंसर आएगा ओदे मूरे भी माइनस लगा दो माइनस 7, इहदे च भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है इन्ना च जदों अपने कोल एक प्लस आ जाता है तो दूसरा माइनस दे विच आ जाता है, तो इहदे विच आपां ने की करना हुंदा है, सबट्रैक्ट करना हुंदा है। जिहड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वह किहड़ा करना है, सबट्रैक्ट। एक नंबर है अपने कोल प्लस 2, एक नंबर है माइनस 5, तो प्लस 2 एंड माइनस 5, तो एक प्लस चाहे एक माइनस चाहे मतलब सबट्रैक्ट होंगे। बड़ा केड़ा 5, ओदे विचो 2 नू माइनस कर दो, किन्ना आ गया आंसर 3। 3 दे मूरे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो डिपेंड करता है कि तोड़े जेड़े दोनों नंबर सी उन्ना चो वड्डा केड़ा हैगा। तो उन्ना चो वड्डा केड़ा हैगा, 5 वड्डा हैगा, 5 दे मूरे की लगे माइनस, सो अपने आंसर दे विच भी किन्ना आ गया माइनस 3। ओके जी, ए एनदर एग्जाम्पल देखते हैं। इहदे विच जिहड़ा वड्डा नंबर हैगा वह प्लस दे विच हैगा, जिहड़ा छोटा नंबर हैगा वह माइनस दे विच हैगा, सो इहदा जिहड़ा आंसर आया हैगा वह प्लस दे विच आया है। सिमिलरली जे आपां देखिए जिवें माइनस 6 प्लस 9, सो इहदे विच दोनों अलग ने, दैट मीनस सबट्रैक्ट होगा, 9 चो 6 गए 3 बचे, लेकिन 3 ਦੇ ਮੂਰੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰਸ ਪਲੱਸ 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 ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रूल आते हैं मल्टीप्लाई। जो आप दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई के रूल अपने को होंगे, अगर दोनों नंबर अपने प्लस हैं, जिम्मे प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस 7, सो आंसर विल बी प्लस। अगर दोनों नंबर अपने माइनस हैं, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, देन ऑल्सो आंसर इज प्लस। दोनों प्लस ने ता भी प्लस आएगा, दोनों माइनस ने ता भी प्लस आएगा, मल्टीप्लाई दे केस। बट अगर एक प्लस दे विच हैगा ते दूसरा माइनस दे विच हैगा तो अपना आंसर किदे विच आएगा, माइनस दे विच। लाइक माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6,
तो इस केस दे विच आंसर कितना आएगा माइनस 42। तो अपन एकदम ही कह सकते हैं कि अपने कोल अगर इवन नंबर ऑफ माइनस दे साइन ने तो आंसर माइनस जाएगा। इवन अपन नु पता हैगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 1। सो टोटल माइनस किन्ने ने 1 2 3 4 चार माइनस ने। सो चार की हुंदा हैगा अपना इवन नंबर। सो अगर टोटल इवन नंबर ऑफ माइनस ने तो एक ही बन जाएगा प्लस। दो माइनस नु मिला के एक प्लस बनता है, बस एकदा हिसाब रखो। सो 3 2 6 6 4 24 प्लस 24 आंसर आ जाएगा। बट अगर अपने जेडे माइनस दे साइन ने ओ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ने -2 × -2 × -2 सो इदे विच की आएगा अपना आंसर माइनस 8। ठीक है जी, आई होप मल्टीप्लाई दे केस अपन नु क्लियर हैगा। हुन एक अपन छोटी जी एक एग्जांपल देखदे हां जिदे विच मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स गलती हुंदी हैगी है। -5 - -6 इदा आ गया। हुन इदे विच की हैगा जी, ए जेड़ा माइनस हैगा इस माइनस दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इथे कुछ नहीं लिखा होया तां उहदा मतलब हुंदा -1। सो -1 नु जदों -6 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां इह की बन जाएगा +6। -1 × -6 की बन गया हो +6। सो दिस इज +1। पिछे अपन रूल कितने हैं, बड़े नंबर दा साइन लग गया। ओके जी, आई होप प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला क्लियर है। डिवाइड दे विच कुछ ज्यादा इशू नहीं होता। अपने को अगर एक माइनस हैगा तो माइनस रहेगा, अगर दो माइनस है गया तो कट जाते हैं, बस दैट्स इट। इस तो बाद दे विच कोई रूल नहीं होता रहेगा। नेक्स्ट अपा मूव करते हैं गया वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड मार्क्स। फोर्थ या फिफ्थ क्लास अपन नु पढ़ाया जाता है बोर्ड मार्क्स, बट स्टिल अपा ओदे विच गलतियां कर देने है जो अपा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओदे विच मिस्टेक कर देने हैं। अपा रूल फॉलो नहीं करते बोर्ड मार्क्स का क्योंकि अपा भुले हुए हैं कितने ना कितने। की रूल है ये, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। ये इसी ऑर्डर दे विच चलना हुंदा हैगा। जदों भी अपने कोल कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैगा इस तरह का, जिवें 25 × 2 − 6 + 9 + 32 / 4, जिस एक्सप्रेशन दे विच मल्टीपल ऑपरेशंस आ रहे ने, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आ रहे हैं, ओदे विच आपां नूं इस रूल दे हिसाब नाल चलना पैंदा है, बोर्ड मास रूल दे नाल। पहला ब्रैकेट सॉल्व होएगी, ब्रैकेट मतलब जिवें आ ब्रैकेट दित्ती हुई है। ऑफ दा मतलब भी मल्टीप्लाई हुंदा है, लेकिन ऑफ नूं पहला करना है सॉल्व मल्टीप्लाई तों, मतलब तुहानूं क्वेश्चन दे विच ऑफ भी लिखिया होया आ गया ते मल्टीप्लाई भी आ गया, मल्टीप्लाई दा साइन भी आ गया, तो पहला तुसी ऑफ करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो बहुत बाद आंदा है ऑफ तो, उन्हां दे विच एक डिवाइड भी आंदा है। सो आपां ए वाले क्वेश्चन नूं देखिए, बिल्कुल सिंपल जी एग्जाम्पल लगी है। इहदे विच की हैगा सॉरी इहदे विच की हैगा 4, उस तो बाद ब्रैकेट हैगी है, देन अगे फिर एक्सप्रेशन है। तो सब तो पहला इन्होंने ब्रैकेट चकी, ब्रैकेट नु सॉल्व करिए। हुन ब्रैकेट दे विच इन्होंने देखिया सब तो पहला डिवीजन 15 / 3, सब तो पहला वो डिवाइड होया 15 / 5 = 3। नेक्स्ट स्टेप दे उते उन्होंने देखिया मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई होया। सो मल्टीप्लाई होके की आ गया अपने कोल 12। नेक्स्ट स्टेप ते उन्होंने देखिया एडिशन, उसी ऑर्डर चल रहे हैं अपा। सो 10 + 12 = 22। नेक्स्ट स्टेप दे विच अपा देखिया सबट्रैक्शन, 22 - 4 = 18। देन जेड़ा बाहर ब्रैकेट दे सीगा वो मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 18 = 72 अपना आंसर आ गया।
अगर आप इस क्वेश्चन दे विच किते भी ऑर्डर चेंज कर देंगे, सपोज मैं इतने इदा कर दिता 4 5 into 4 इतने 20 कर दिता, इतने इन जो है पहला एड कर दिता, इतने इन्हों मल्टीप्लाई कर दिता, सो ये कि आ गया 25 + 45 45 - 4 41 into 4। देखो मैं अगर ऑर्डर चेंज करता तो मेरा आंसर चेंज हो गया, सो दिस इज रॉन्ग, एक गलत है मेरा आंसर कितना है 72। सो जेडे बोर्ड मार्क के क्वेश्चंस ने जी ये डायरेक्टली एज इट इज भी आ जाते हैं पेपर दे विच, इन्हें एक बार देख लो ध्यान नाल, ये एज इट इज आपां ऑर्डर फॉलो करना हुंदा हैगा, इहदे विच आपां ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। आपां सिंपलीफिकेशन की क्लास दे विच कुछ एग्जाम्पल्स लवांगे, ये तो बेसिक की क्लास है इसलिए इहदे विच थोड़ी जी एडवांस लेवल दी आपां नहीं ले सकते एग्जाम्पल, बट सिंपलीफिकेशन की जिहड़ी अपनी क्लास होएगी उहदे विच आपां बोर्ड मार्क की एग्जाम्पल लवांगे, थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड एग्जाम्पल लवांगे जिहड़ी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है, आपां उहनूं किवें प्रोसीड करना उहदे विच देखांगे। तो एक बार इहनूं ध्यान नाल देख लो, आई होप ये क्लीयर हैगा स्टूडेंट्स नूं, ठीक पहला भी किया हो आपने बचपन के चौथी पंजवीं क्लास के थोड़ा जा रिफ्रेश हो गया होगा। लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बेसिक रूल्स जेडे कि आप सब तकरीबन भुले हुए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जदों कोई नंबर इस फॉर्म के लिखा होंगे 7 की पावर 3 इनू आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थले वाले नूं आपां की कहिंदे हैगे आ बेस, जिहड़ा उहदे उपर चढ़ाया होया मोढ़िआं ते इहनूं आपां की कहिंदे आ पावर या एक्सपोनेंट। सो ए नंबर्स दे कुछ रूल हुंदे ने, इहनां नूं आपस च मल्टीप्लाई डिवाइड जदों करना हुंदा हैगा तां कुछ रूल्स फॉलो करने पैंदे आ जिहड़े अपने रूल्स बने हुए हैगे आ। पहली गल तां इह हैगी है कि अगर 7 की पावर 3 लिखिआ है इहदा मतलब की हुंदा है, इहदा मतलब हुंदा हैगा कि 7 नूं 3 वारी गुणा करो। इहदे विच बहुत कॉमन मिस्टेक हैगी है, बच्चे की करदे हैं दिस इज रॉन्ग, सॉरी, जो भी बेस हैगा ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। सेकेंड रूल, अगर बेस सेम ने और वो आपस में डिवाइड हो रहे ने तो पावर की हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, बट सब्ट्रैक्ट किमें, ऊपर वाली जो नीचे वाली माइनस, ओके। थर्ड रूल की कहता है अगर अपने को पावर दी पावर आ गई सो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × 3 हो गया 6, ये थर्ड रूल कहता है। फोर्थ ते फिफ्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यूज होंगे ने, जिमें अपने को 2 × 3 है और ये पावर 4 हैगी है, तो इन्हों आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3 की पावर 4। फोर्थ रूल कहता है कि अगर एक डिवीजन दे विच हैगे ने सो इहदा मतलब हुंदा है न्यूमीरेटर की भी पावर उन्नी हैगी है ते डिनोमीनेटर की पावर भी, क्लियर है जी। नेक्स्ट रूल कहता है एनीथिंग 2 की पावर 0 इज 1, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हैगी है वो 1 दे इक्विवेलेंट होएगा, ओके। दिस रूल वेरी इंपॉर्टेंट,
जदों भी आपां किसी नंबर दी पावर किसी भी नंबर नूं उपरों नीचे लेके जाइए या नीचों उपर लेके जाइए डिनोमिनेटर तो न्यूमिरेटर या न्यूमिरेटर तो डिनोमिनेटर सॉरी तां उहदी पावर जिहड़ी हुंदी हैगी है ना जी उहदा साइन चेंज हो जांदा नंबर नूं कुछ नहीं होएगा सिर्फ उहदी पावर दा साइन चेंज होएगा सपोज मेरे कोल हैगा चाहे नीचो उपर ले आवा या उपरो नीचे लेके आवा उदा साइन चेंज हो जाएगा जेड़ा नेक्स्ट रूल हैगा ये अपन नेक्स्ट क्लास दे विच करांगे जिदे विच अपन स्क्वायर रूट क्यूब रूट दे बारे भी करांगे इथे तक आई होप सारे नु क्लियर हैगा जेड़े भी अपन रूल्स दिते ने बेसिक चीजा कीतिया ने ठीक है जी तुसी कॉन्टेक्ट करके नीचे नंबर ते तुसी एदी पीडीएफ्स मंगवा सकदे हो तुसी एदी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मंगवा सकदे हो ठीक है साडी सारी जिन्नी भी स्लाइड्स हुंदियां ने जिन्ने भी नोट्स हुंदे ने ओदे विच प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हुंदे हैगे ने तो उहनां दे तुसी गो थ्रू हो सकदे हो एक बार वीडियो तो बाद आपां नेक्स्ट वीडियो दे विच कंटिन्यू रखांगे बेसिक मैथ्स नूं तो आपां बेस अपना स्ट्रोंग करांगे ओके जी थैंक यू